Assalamu alaikum and a very good afternoon. Welcome to Sports Floor. Cricket is back and back with a bang. Of course, Ramzan mein sabko cricket khelne aur dekhne ka shauk hai. So don't worry about that because New Zealand hai in Pakistan and they're here for a very long time. Jee, humne 5 T20 matches khelne hai New Zealand ke khilaf and then 5 ODIs. So kal se jo silsila shuru hoga Lahore mein, wo khatam hoga Karachi mein on 7th May. That'll be the last ODI. So that's that. And of course, Afghanistan ke khilaf to hum log T20 series haar gaye the because we were relatively a new team and a fresh team with some big changes, but the big guns are back again. Yes, I know, aap logo ko pata hai. Let's have a look ki hamari T20 ki squad kya hogi and let's see who's back. So let's have a look aur jaldi se aapko batate hain, aapko bataya, of course, Babar Azam, he will be the captain. Shadab vice captain hai, Fahim Ashraf, Fakhar Zaman, Haris, Iftikhar Ahmed, Ehsanullah, जो डेब्यू कर चुके हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, एक्सलेंट इन PSL, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, नवाज रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, अनदर बैटर टू लुक आउट फॉर, शाहिन शाह अफरीदी एंड शान मसूद. सो ये हमारी स्क्वाड है T20 के. और क्या न्यूजीलैंड रिलेटिवली थोड़ी वो जो बिग नेम्स हैं वो नहीं है, बट न्यूजीलैंड के स्क्वाड को भी देख लेते हैं. द कीवीज को लीड कर रहे हैं टॉम लैथम एंड यू नो उनके साथ हैं मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, कोल मैकॉन्ची, डैरल मिचेल, रविंद्रा, ईश सोदी, विल यंग, डीन क्लीवर हैं, बेन लिस्टर हैं, एडम मिले हैं, जेम्स नीशम एंड ब्लेयर टिकनर, और इनके असिस्टेंट कोच हैं सकलेन मुश्ताक. एंड इंटरेस्टिंगली हमारे जो हेड कोच होंगे इस सीरीज़ के लिए वो है ग्रैंट ब्रैडमन. विल टेल यू मोर अबाउट हिम. मैं जल्दी से अपने एलिस को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है लाइन, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हमारे साथ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद होंगे. सो जस्ट बिफोर दैट यू नो हम लोग बात कर रहे थे तो सिको इंटरेस्टिंगली ग्रैंट ब्रैडबर्न जो थे वो हमारे फील्डिंग कोच भी रहे एंड देन NCA को हेड भी कर रहे थे एज अ डायरेक्टर एंड नाउ वो बड़े फेमिलियर हैं हमारे सेटअप से. सो ही विल बी द हेड कोच फॉर पाकिस्तान टीम फॉर दिस सीरीज. अच्छा इंटरेस्टिंग मूव है, मगर वो मेरे ख्याल से मिकी आर्थर का इंतज़ार हो रहा है ना कि वो वहाँ से रिलीज़ होंगे तो उसके बाद वो फ़ोन के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर वो इन टच होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर वो आके ओवरऑल चार्ज लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा आगे फर्दर कैसे हमारी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है. और कुदरत का जो निज़ाम है वो न्यूज़ीलैंड की तरफ चला गया और हमने न्यूज़ीलैंड के प्लेयर ले लिए. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. हम एक दूसरे के सीक्रेट्स को पता होगा हमारे पास कि हमें किसको किस तरह अटैक करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. मगर वही जो आपने अभी बात की कि उनके कुछ 6-7 लड़के ऐसे हैं कि जो कि पिछली सीरीज खेले थे मगर वो अब नहीं खेले. सेंटनर हुआ, ब्रेसवेल हुआ, फर्गूसन है, फिलिप्स है, बोल्ट है, वो पता नहीं बोल्ट है, सऊदी है, बहुत बड़े बड़े सऊदीज है. Saudi is, I don't think so, he's here. He's here. Saudi is here. He's in, yes, he's in Lahore right at the moment. Saudi hai. Last time likhi thi, usme unka naam nahi tha, shayad wo aa gaye. Anyway, to wo aa gaye hain, to magar Williamson, dekhe, wo unfit ho gaye, IPL khelne gaye the, ye bhi hota hai. तो इट्स इंटरेस्टिंग. तो हमें हमने थोड़ी सी तब्दीलियाँ की थी तो बहुत शोर उठा था. तो मैं सबको हमेशा यही बताता हूँ कि दुनिया में ये होता रहता है, नए बच्चों को मौका मिलता है, पुराने प्लेयर चांस रेस्ट करते हैं, तो ऐसी बड़ी बात नहीं. रज़ाक आपसे बात करेंगे एंड इट्स ऑल अबाउट गेटिंग यूज्ड टू द कंडीशंस. मतलब कीवीज आएंगे क्योंकि कुछ जैसे प्लेयर्स हैं जिमी नीशम है उन्हें तो चले PSL खेला है, कुछ प्लेयर्स इनके टेस्ट खेलने भी आए बट कुछ पहली दफ़ा आए हैं यू नो इन कंडीशंस में खेले हैं पाकिस्तान में. सो आई थिंक उनको थोड़ा दे विल हैव टू फिगर आउट अ वे कि वो किस तरह जेल इन करेंगे इन कंडीशंस में. वर्ल्ड कप 6 months अवे है तो वो लोग चाहते हैं कोई मैजिक हो विदाउट केन विलियमसन ऑन द साइड. हाँ जी, पहली बात तो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी आनी चाहिए थी और IPL में चले गए, कुछ वैसे अनफिट हो गए और कोई इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे जिस तरह की टीम जैसे टेस्ट मैच इनके साथ हुए थे तब इनकी फुल टीम थी और बड़ा अच्छा कंपटीशन हुआ था और कांटेदार मैच हुए थे. तो अब इन कंडीशन में मैं समझता हूँ पहले भी न्यूजीलैंड आई थी तो ये थ्रेट की वजह से बाधित थी, तो फिर दोबारा आई है और फिर वही इनके पास प्लेयर नहीं है ऐसे कि जिस तरह फाइट बैक कर सकते हैं. तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान के साथ हमने टीम भेजी थी वैसे न्यूजीलैंड भी भेज दी है, पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन कोई दूसरी है, कुछ IPL में मसरूफ है. तो मेरे हिसाब से टीम बड़ी एक बैलेंस में होनी चाहिए, इनको
नेशनल टीम में प्लेयरों को किस तरह एनओ से मिल जाती है मुझे नहीं पता चलता, ये दूसरे बोर्ड में क्या उनका क्राइटेरिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो नेशनल होती है, टीम होती है आपने जब खेला होता है, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है कि इनकी यंग टीम आई। ठीक है, सो रज़ाक जो है नॉट टू एक्साइटेड अबाउट न्यूजीलैंड टीम, बट ऑफ कोर्स सब आई कर रहे हैं वर्ल्ड कप को जो 6 months में लेस टाइम रह गया है। तो बट बिफोर दैट हम भट्टी साहब भी हैं और आलिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, बट लेट्स ऑल्सो लुक एट सम स्टैट्स, बिकॉज स्टैट्स देखना भी बहुत ज़रूरी है एंड फाइंड आउट कहाँ पाकिस्तान न्यूजीलैंड स्टैंड करते हैं व्हेन वी कंपेयर देम हेड टू हेड। तो क्या हम लोग फुल स्क्रीन पर दिखा दें? ओके, लेट्स हैव अ लुक। सो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हमने देखा कि 29 T20 इंटरनेशनल मैचेज खेले गए हैं एंड यू नो 18 जो मैचेज हैं, 18 मैचेज हैं वो पाकिस्तान के नाम रहे हैं और 11 मैचेज कीवी टीम के। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स में 4 पाकिस्तान के नाम रहे हैं, जबकि एक मैच में द कीवी जो है कीवीज की टीम फाते रही। एंड न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा टोटल, यू वांट टू फाइंड दैट आउट एज वेल, दैट वाज 196/5। एंड टीम पाकिस्तान का कीवीज के खिलाफ सबसे ज़्यादा टोटल 201/4। टीम न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे कम टोटल हैज़ बीन 80 एंड टीम पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे कम टोटल 101 रहा है। सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी द बेस्ट ऑफ टू, केन विलियमसन 584 एंड मोहम्मद हफीज़ 563 रन्स। और सबसे ज़्यादा विकेट्स किसके नाम रहे? टिम साउदी 28 एंड शाहिद अफरीदी 21 विकेट्स। सो दैट्स ऑल हिस्ट्री एंड भट्टी साहब, स्टैट्स और नंबर्स आर सो इम्पॉर्टेंट, किस तरह सब स्टैंड करते हैं, मगर पाकिस्तान टीम अब जा रही है फुल स्ट्रेंथ में होगी। आई मीन अफगानिस्तान के बाद जो सीरीज के बाद ऑफकोर्स हम लोग चाहते हैं कि हम राइट फुट रखें एंड स्टार्ट एट द राइट नोट। फातिमा, दरअसल ये वो स्टेज है जहां पाकिस्तान जो इस साल अक्टूबर में पहले एशिया कप होना है 50 ओवर का, और उसके बाद जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है। बेसिकली अभी तो कल से तो T20 शुरू हो रही है, उसके बाद जो वनडे सीरीज है ये उसकी प्रिपरेशन है। लेकिन पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन है, एक तो हमारे सीनियर प्लेयर्स जिनको हमने रेस्ट दिया था अफगानिस्तान की सीरीज में, वो सारे वापस आ गए, लेकिन असल जो रीबिल्डिंग है वो हमारे कोचिज की रीबिल्डिंग है कि मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के अब हेड कोच नहीं है, वो कंसल्टेंट बन गए हैं, वो इंग्लैंड में होंगे या कहीं भी होंगे, वो वहां से बैठकर रिमोट कंट्रोल से इन कोचेस को हिदायत देंगे। तो बेसिकली ग्रांट ब्रैडबर्न प्यूटिक जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, या मॉर्नी मॉर्कल इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है, उसके बाद आईपीएल के बाद वो अगली सीरीज में आएंगे, तो ये सारे मिकी आर्थर की च्वाइस है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिलहाल तो इन सारे कोचेस को एक सीरीज के लिए अपॉइंट किया है, लेकिन इन कोचेस एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग होगा। आलिया, हम आपसे भी बात करेंगे, बिकॉज हम लोग किस तरह की अप्रोच चाहते हैं ग्रैंड ब्रैडबर्न की हो टुवर्ड्स पाकिस्तान, विल एग्रेसिव और नॉट, विल फाइंड आउट, विल आस्क ऑल ऑफ यू। पर हम लोग क्या क्विक ब्रेक ले लेते हैं एंड विल सी यू जस्ट इन अ बिट, स्टे विद अस। को जल्दी से रिमाइंड कर दे एक बार फिर, इन केस यू फॉरगॉट, कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। सो लाहौर में फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे, सब एक्शन शुरू हो जाएगा। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं, एंड बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक हम आलिया से बात कर रहे थे, एंड आलिया यू नो हम लोग ब्रैडबर्न की बात कर रहे थे अबाउट इंटरेस्टिंग डिसीजन, लेट्स सी, क्योंकि वो यू नो NCA भी हेड कर रहे थे, तो ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस, ही इज़ यूज्ड टू द कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, लेट्स पुट इट दैट वे। व्हाट डिफरेंट वुड यू लाइक टू से, क्योंकि आली ऑन पेपर एंड ऑल्सो लाइक दैट हमारी T20 टीम इज़ वेरी गुड, हमें थोड़ी ट्वीकिंग चाहिए टू जस्ट गेट द फॉर्मूला राइट। देखिए फातिमा, बड़े अदब से मैं गुजारिश करूँगी कि जो होता है ना क्लास का सबसे नालायक बच्चा, उसको आप मॉनिटर बना दें अगर, तो फिर क्या होगा। ये जो ब्रैडबर्न साहब हैं, ये NCA के रहे हैं हेड, और ये कभी भी इम्प्रेसिव नहीं रहे, इनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही जिसके ऊपर तारीफ की जा सके, मगर अनफॉर्चुनेटली बेचारे सेठी साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि वो मिकी आर्थर के हिसाब से चल रहे हैं। मिकी आर्थर ने जाहिर है कमज़ोर बंदा रखा है नीचे, ताकि वो अपनी बात जो है वो अपनी पॉलिसीज या जो अपने प्लान हैं उनको मनवा सकें। तो इस पे तो खैर अब कोई बात क्या करनी, क्योंकि अब तो मैचेस शुरू हैं और हमें देखेंगे कि अब इन कंडीशंस में जो न्यूजीलैंड की टीम जो आई है, अभी जो गुफ्तगू हो रही थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसको बहुत हम ठंडी टीम समझ रहे हैं,
ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नौजवान ऐसे जरूर हैं जो पहले इन एशियन कंडीशंस में एक्सपोज नहीं हुए हैं, लेकिन एक तो डिपेंड करेगा कि हम कैसी पिचेस बनाते हैं, अगर तो स्पिनर्स को कहीं जरा हेल्प की हुई तो फिर न्यूजीलैंड के बैट्समैन को भी मुश्किल हो सकती है। मगर जो लेथम इनके जो कैप्टन है फातिमा, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं और बड़े एग्रेसिव मिजाज है उनका। हाल ही में इंडिया के खिलाफ जो बैटिंग पावर दिखाई थी और उनकी जो लेंथ ऑफ शॉट्स रही थी, उनकी अडेप्टेबिलिटी नजर आई थी, उसकी वजह से ही उनको कप्तान बनाया गया। इससे पहले बांग्लादेश में कोविड में भी उन्होंने लीड किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा और पाकिस्तान के वो टॉप स्टार जो वापस आए हैं और कुछ जिनके दिल जख्मी भी हैं, उन्होंने इस सीरीज को जीतना है हर सूरत में, अपनी कंडीशंस में आइडियल होगा और वो कॉन्फिडेंस बहाल होगा। वो बात होगी कि जो टीम में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही थी उसको हील किया जाएगा। और ये बहुत अच्छा फैसला जो मुझे लगा है क्रिकेट बोर्ड का, वो है शादाब को उन्होंने वाइस कैप्टन रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस देने के लिए इसमें लड़कों को, क्योंकि पीछे इतनी बिटरनेस हुई है सारे मामलात से, कम से कम हमने उसको हील करना है, उसको दोबारा रिकवर करना है। एब्सोल्युटली आलिया, गुड पॉइंट। एंड यू नो, आप पिच की बात कर रही थी तो रजाक आपके पास आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी पिचेस किस तरह बनती है, वी विल बी अंडरस्टैंड, एवरी द वर्ल्ड विल बी वॉचिंग, तो दिलचस्प होगा कि हमें किस तरह की पिचेस मिलेंगी। पूछने वाली बात नहीं है, हमें पता है कैसे पिचेस मिलनी है। चलो बिल्कुल, जैसे एक T20 की होती है, जैसे PSL में पिचेस मिली थी वैसी पिचेस नहीं मिलेंगी जैसे लाहौर में थी, वैसे जैसे पिंडी में पिचेस थी वैसे ही हमें मिले और मुल्तान वाली पिचेस मिले, उस तरह की जो क्रिकेट हुई है। तो डेफिनेटली T20 में इस तरह की पिचेस होंगी तो हाई स्कोर होगा तो फिर मजा आएगा। और पाकिस्तान की टीम फेवरेट इसलिए कहेंगे कि कंडीशन पाकिस्तान के लिए बड़ी सूटेबल है और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड में, मैं समझता हूं T20 की सबसे अच्छी टीम है, बिल्कुल होम एडवांटेज भी है। यू एब्सोल्युटली राइट। एंड सिको, आई मीन आई डू वांट टू टॉक अबाउट व्हाई, यू नो, मुझे बहुत एक होता है कमी अबाउट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, यू नो, समवन इन द पूल हु ब्रिंग्स सम मैजिक, आपके पास होना चाहिए कोई, आई एम नॉट टॉक अबाउट शादाब एंड नवाज, समवन डिफरेंट। नहीं, जो डिफरेंट है ना, मैं जो अभी हम आपने अभी डिस्कस भी किया था, तो मुझे दो बंदे ऐसे, एक इब्रार था जो एक नया स्पिनर आया है, मगर हम उसने PSL में इतना मैच नहीं खेले, थोड़े से खेले, ज़्यादा नहीं खेल सका वो, और मतलब वो उनको खिलाया नहीं गया ज़्यादा मैचेस, वॉट एवर। उसामा मीर, ये दो एक लड़के ऐसे हैं कि जो कि एक्टिव और अच्छे नज़र आए PSL में। देखें, PSL की हम इसलिए बात करते हैं डोमेस्टिक के अलावा कि PSL में हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो हम उसको देख रहे होते हैं, तो इसलिए वो लड़के हम पिक कर रहे होते हैं। टीवी पे टेलीवाइज मैचेस का ये एडवांटेज होता है कि आपको प्लेयरों के एग्जैक्टली। एंड बिफोर बिकॉज हम शो रैप अप करने वाले हैं, भट्टी साहब, शाहीन शाह अफरीदी का एक्चुअली कम बैक विद एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, PSL में तो ही वाज वेरी गुड, बट इंटरनेशनल कम बैक। जी हाँ, वाकई शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उन्होंने PSL में दी है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम चाहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी उसी तरह की परफॉर्मेंस दें। लेकिन वापा जो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि साइम अयूब का अब क्या फ्यूचर है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अगर इनिंग्स ओपन करते हैं, ठीक है, तो साइम अयूब कहाँ खेलेंगे, क्या वो ओपन सही? एंड यू नो बट्टी साहब, आपने हमें बहुत अच्छा रीजन दे दिया कल के टॉपिक के लिए, सो वील ब्रिंग दैट, वील टेक दिस टॉपिक टुमारो, क्योंकि कल मैच भी होगा, वील टॉक अबाउट प्लेइंग 11 एज वेल। तो हम साहिब सब एनालिस्ट, आप सबका बहुत शुक्रिया, हम लोग आपको कल मिलेंगे जब पाकिस्तान फेस करेगा न्यूजीलैंड को फर्स्ट T20 मैच में। अभी फिलहाल इतना ही वक्त, अल्लाह हाफिज़।